अस्सलाम वालेकुम टीम अराफिया एडवाइजर्स के साथ राइट नाउ हम लोग अर्न केल पे मौजूद हैं। ये मेरे बिल्कुल पीछे व्यू में आप माशाल्लाह खूबसूरती देख सकते हैं कश्मीर की अर्न केल की। ये एक शॉर्ट सी वीडियो है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि जिस तरह ये ब्यूटी आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की ब्यूटी, वी बिलीव कि ये बहुत हद तक अनडिस्कवर्ड है। ये अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो सकी। डिस्कवर भी किस तरह होती है कि शायद कोई मशहूर शख्सियत किसी ख़ास मकाम पे चली जाती है तो वो एक ख़ास मकाम, एक ख़ास जगह जो है जो लोगों की नज़र में आ जाता है और नेक्स्ट ईयर वही चीज़ जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ होती है और लोग वहाँ पर उसे एक वे बना लेते हैं कि इकट्ठे होने का, एक टूरिज़म का एक पार्ट बना लेते हैं। जस्ट लाइक कमराट वैली के आज से जस्ट चंद साल पहले इमरान खान साहब ने वहाँ पे विजिट किया और उसके बाद जो है उसे उस जगह को भी एक ख़ास मुकाम का दर्जा हासिल हो गया। अच्छा, जिस तरह कमराट वैली पहले भी मौजूद थी लेकिन इमरान खान के वहाँ जाने के बाद आम लोगों को पता लगा, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान एक मशहूर शख्सियत के जाने के बाद वो जगह डिस्कवर हुई। इट डजंट मीन कि पहले वो जगह नहीं थी, वो जगह इमरान खान ने बनाई, उसने सिर्फ उस जगह को डिस्कवर किया और लोगों को बताया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली जब हम पंजाब की बात करें और कमर्शलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जो कि मौजूद तो मार्केट के अंदर है लेकिन शायद हम उसको उस तरीके से देख नहीं पाते कि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अराजी एडवाइजर्स का जस्ट लाइक इट नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है एडवाइजर्स, तो हम भी उन जगह को एडवाइस करते हैं, उन जगह की तरफ निशानदही करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ निशानदही करते हैं कि जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।